हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, की फिगर्स के एरिया को स्टडी करना, वॉल्यूम को स्टडी करना, लेंथ को स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं मेंसुरेशन। तो हम देखते हैं कौन कौन से फिगर्स के साथ हम यहाँ पे इस लेसन में डील करने वाले हैं। इस लेसन में टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है स्टूडेंट्स, जिसमें 7.1 में हमें जो सीखना है वो ये फिगर है स्टूडेंट्स। 7.1 में हमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, फिर कोन, स्फीयर और हेमिस्फीयर, ये सब क्या होते हैं, इनके वॉल्यूम, इनके एरिया किस तरह हम फाइंड आउट करेंगे, लेंथ किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये सब हम सीखेंगे। ये 7.1 में हो जाएगा स्टूडेंट्स। फिर 7.2 में हमें जो सीखना है वो है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। तो एक कोन को अगर हम यहाँ से कट कर देते हैं तो जो पार्ट नीचे का बचता है, ये वाला पार्ट, इस पार्ट को क्या बोला जाता है, फ्रस्टम बोला जाता है। हमको इसमें फ्रस्टम के बारे में समझना है, उसका एरिया, उसका वॉल्यूम, ये सब के बारे में सीखना है 7.2 में। फिर 7.3 में अगर हम देखेंगे तो हमें पढ़ना है सर्कल का सेक्टर, सर्कल के सेक्टर को पढ़ना है। क्या होगा स्टूडेंट्स, हम जब 7.3 सॉल्व करेंगे तो मैं क्लियर बताऊंगा कि सेक्टर का मीनिंग क्या होता है। फिर लेंथ ऑफ आर्क भी हमें पढ़ना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। मतलब सिर्फ इतना समझना है कि 7.3 में हमको सिर्फ सेक्टर और लेंथ के बारे में स्टडी करना है। और 7.4 लास्ट इस एक्सरसाइज में हमें सेगमेंट के बारे में पढ़ना है, जो ग्रीन पोर्शन देख रहे हैं आप। तो इनके बारे में डिटेल्स तो हम करने ही वाले हैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट एक्सरसाइज में जो हमें क्यूब के बारे में, सॉरी क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर के बारे में देखना है, ये हम शुरू करते हैं। मतलब हम शुरू करते हैं 7.1 में। और स्टूडेंट्स, ईच फिगर के लिए काफी फॉर्मूले हैं इस लेसन में, तो हमें फॉर्मूले स्टडी करना है पहले। एक बार फॉर्मूला हमारा हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेट हम इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्यूब से शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, की क्यूब का मीनिंग क्या होता है। तो ये है स्टूडेंट्स क्यूब। अब अगर हमसे पूछा है कि क्यूब का क्या मतलब है, तो अगर आपके पास एक स्क्वायर है स्टूडेंट्स, और स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है कि जिसके चारों साइड इक्वल होते हैं, और फिर हमने क्या किया, हमने और 5 स्क्वायर ले लिया स्टूडेंट्स। अब हमने 6 स्क्वायर हमारे पास हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब इन 6 स्क्वायर को मिला के अगर हम एक बॉक्स बनाते हैं स्टूडेंट्स, डब्बा, तो उस बॉक्स को बोला जाता है क्यूब। तो क्यूब एक 3D डायमेंशन वाले फिगर्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हमें क्या करना है कि इस क्यूब के बारे में पढ़ना है स्टूडेंट्स। अब इस क्यूब का जो बाहर का आप एरिया देख रहे हो उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, और उसके अंदर जो जगह है जिसके अंदर कुछ भी भरा हो, चाहे एयर भरा हो चाहे वाटर भरा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये सबके फॉर्मूले हमको स्टडी करना है। तो ये सबके फॉर्मूले हम इजीली याद कर सकते हैं अगर हमें स्क्वायर के कुछ फॉर्मूले याद होंगे स्टूडेंट्स। तो किस तरह, देखिए हम एक बार स्क्वायर को स्टडी करते हैं, फिर हमें इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो इजीली बाहर आते हैं। तो देखते हैं हम स्क्वायर में हमें क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स। तो टोटल क्यूब में बेसिकली मेन 3 फॉर्मूले हैं, पर हम 5 फॉर्मूले पढ़ने लें, जिसमें से 2 फॉर्मूले आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे। तो वो 5 फॉर्मूले बाहर करने के लिए हमें स्क्वायर के 2 फॉर्मूले याद रखना पड़ेगा जो ऑलरेडी आपको याद है स्टूडेंट्स। जैसे अगर ये स्क्वायर है तो इसका चारों साइड इक्वल है। अगर हमने एक साइड को एल ले लिया स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, और ये भी एल रहेगा, और ये भी एल रहेगा। तो इसके 4 के चारों साइड क्या है, एल है। अब हमें क्या करना है, तो हमको इसका एरिया फाइंड आउट करना है और इसका पेरीमीटर फाइंड करने का है। तो एरिया का फॉर्मूला हमने लोअर स्टैंडर्ड में भी स्टडी किया है कि एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड स्क्वायर, और यहाँ पे हमने जो साइड लिया है उसका मेजर एल लिया है, तो एल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि साइड इंटू साइड हो जाएगा एल स्क्वायर। और पेरीमीटर का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, कि ये चारों साइड को अगर प्लस कर देंगे लेंथ को, तो जो मिलता है वो पेरीमीटर है। मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल अगर देखेंगे तो ये मिलाकर 4L हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये है पेरीमीटर का फॉर्मूला। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला हमको मिल गया 4L, और एरिया का फॉर्मूला मिल गया हमको एल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, अगर एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड स्क्वायर है और उसका फॉर्मूला हमको एल स्क्वायर मिलता है, तो ये वाले स्क्वायर का हमको एरिया अगर फाइंड आउट करना है, जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है आपको, ग्रीन शेड दिख रहा है, उसका एरिया क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है तो एल स्क्वायर होगा। पर क्यूब में ऐसे कितने स्क्वायर होते हैं स्टूडेंट्स, वैसे टोटल 6 होते हैं। जैसे ये वाले सरफेस का एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये वाले सरफेस का एरिया भी हमें एल स्क्वायर मिल जाएगा, फिर ये वाले एरिया का सरफेस भी हमें एल स्क्वायर मिल जाएगा, फिर इसके इस तरफ भी एक एल स्क्वायर है, इसके इस तरफ भी एक एल स्क्वायर है, इसके बॉटम में भी एक एल स्क्वायर है। तो अगर टोटल हम अगर देखें तो टोटल सरफेस में 6 स्क्वायर आते हैं स्टूडेंट्स। तो टोटल सरफेस एरिया अगर इसका निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 6L स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। वैसे भी हम देखने वाले स्टूडेंट्स, वो बन जाएगा 6L स्क्वायर।
तो हम स्टडी करते हैं कि कैसे कैसे हम फॉर्मूले को टोटल फॉर्मूला बाहर करेंगे क्यूब का। लेकिन आप याद रखिए कि एक सरफेस का एरिया होता है एल स्क्वायर, क्योंकि वो सरफेस स्क्वायर होता है। तो जितने यहाँ पे सरफेस रहेंगे अगर उसमें टोटल पूछ लिया तो वो सिक्स हो जाएंगे, तो सिक्स एल स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे इसके फॉर्मूले को सीखते हैं स्टूडेंट्स। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है वो देखते हैं। अभी टोटल सरफेस एरिया में एक भी सरफेस नहीं छोड़ा जा रहा है, सारे के सारे सरफेस लिया जा रहा है। मतलब इस तरफ वाला सरफेस जिसको हम ये बोल सकते हैं लेफ्ट साइड वाला फेस, फिर इसके जस्ट अपोजिट इस तरफ वाला जो सरफेस है इसके पीछे वो ये सरफेस हो सकता है स्टूडेंट्स, जिसको हम बोलेंगे राइट साइड फेस। फिर इसके बाद ये फ्रंट वाला अगर देखेंगे तो ये है फ्रंट फेस, इसके जस्ट पीछे अगर चलेंगे तो वो जाएगा बैक फेस। फिर बॉटम में चलेंगे स्टूडेंट्स नीचे तो ये है बॉटम फेस, और फिर जब टॉप पे आएंगे तो ये हो जाएगा टॉप फेस। तो एक का हमने स्टडी किया था स्टूडेंट्स कि एक सरफेस का एरिया कितना होता है एल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे टोटल हमें अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है, टोटल सरफेस एरिया तो टोटल यहाँ पे सिक्स है, एक दो फ्रंट तीन बैक चार, उसके बाद बॉटम में सिक्स और टॉप पे सॉरी बॉटम में फाइव और टॉप पे सिक्स। तो एक फेस का अगर एल स्क्वायर है तो टोटल सिक्स फेस के लिए हमको उसका फॉर्मूला मिल जाएगा सिक्स एल स्क्वायर स्टूडेंट्स। तो इसीलिए अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा है क्यूब का तो उसका फॉर्मूला बन जाता है सिक्स एल स्क्वायर। फिर देखिए लैटरल सरफेस एरिया पूछा है हमको, लैटरल सरफेस एरिया, अभी लैटरल का मतलब वर्टिकल होता है, दोनों का मीनिंग सेम है। और इसका मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, तो लैटरल का मतलब होता है सिर्फ साइड के स्टूडेंट्स, साइड के फ्रंट के साइड के बैक साइड के टॉप के और बॉटम को छोड़ देंगे अगर, तो जो साइड में बसता है उसको लैटरल बोलते हैं स्टूडेंट्स। जैसे यहाँ पे देखिए एक लेफ्ट साइड बसता है, एक राइट साइड बसता है, एक फ्रंट बसता है और एक बैक बसता है। तो एक फेस का अगर एल स्क्वायर है तो इसका एल स्क्वायर हो गया, फिर इसका एल स्क्वायर हो गया, इसका एल स्क्वायर हो गया, इसका एल स्क्वायर का टोटल मतलब फोर एल स्क्वायर मिल सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स। देखिए जब टोटल सरफेस एरिया निकालना था तो सिक्स के सिक्स फेस लिया था, और एक फेस का अगर एक एल स्क्वायर है तो टोटल के लिए सिक्स एल स्क्वायर हो गया। लेकिन अब इस बार लैटरल मतलब वर्टिकल हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जो ऐसा ये पोजीशन में रहेगा तो उसमें टोटल वन फिर टू फिर थ्री फिर फोर यही आ सकते हैं, टॉप और बॉटम को हमको छोड़ना पड़ेगा। तो इसके लिए इसका फॉर्मूला बन जाता है फोर एल स्क्वायर। फिर देखिए स्टूडेंट्स की पेरीमीटर ऑफ बेस ऑफ ए क्यूब, एक क्यूब के बेस का पेरीमीटर। अब एक क्यूब के बेस में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसके बेस में सिर्फ एक फेस आता है, सिर्फ एक नीचे वाला पार्ट आता है, और उसका एरिया पूछा सॉरी उसका पेरीमीटर पूछा है। अब अगर इसका पेरीमीटर पूछा है मतलब तो ये एक स्क्वायर है, क्योंकि क्यूब के अपर साइड को हम लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ बेस बोला है, और बेस मतलब जिसके ऊपर वो क्यूब रेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, ये पोर्शन पे क्यूब रेस्ट हो रहा है। तो इसका अगर पेरीमीटर हमको पूछा है मतलब एक स्क्वायर का पेरीमीटर पूछा है, और हमने पीछे ही पढ़ा है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, फोर एल होता है स्टूडेंट्स। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो 4L होता है स्टूडेंट्स। तो ये तो स्क्वायर का पेरीमीटर है L प्लस L प्लस L प्लस L। तो अगर हमें इसके अंदर पूछा है, यहाँ पे अगर पेरीमीटर पूछा है लेकिन बेस ऑफ क्यूब पूछा है, तो क्यूब के बेस में भी क्या होता है एक स्क्वायर ही होता है, तो उसका पेरीमीटर क्या बन जाएगा 4L। उसके बाद हमें एरिया ऑफ बेस बोला है स्टूडेंट्स, फिर वापिस से बेस वर्ड यूज किया, बेस वर्ड यूज करने का मतलब सिर्फ एक स्क्वायर की बात हो रही है स्टूडेंट्स, और उसका एरिया निकालने का मतलब एक स्क्वायर का एरिया निकालने का, और हमने स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर पढ़ा था और जिससे हमको एल स्क्वायर मिला था, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा एक एल स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो याद रखिये स्टूडेंट्स की एक फेस का एरिया एल स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब में भी एक ही स्क्वायर आता है, एक ही फेस आता है, तो उसका एल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन पेरीमीटर में हमने साइड को ऐड किया है, हमने ये साइड को ऐड किया वन टू थ्री फोर, मतलब एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, तो फोर एल मिल गया। वर्टिकल सरफेस एरिया आ गया, तो वर्टिकल में चार सरफेस एरिया था, वन फिर टू फिर फ्रंट वाला थ्री और बैक साइड वाला फोर, तो हमने फोर एल स्क्वायर लिखा। टोटल में सिक्स आ जाते थे पूरे, जितने हैं सबके सब आ जाते, तो हमने सिक्स एल स्क्वायर लिखा। अब हमें क्या करना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब इस बॉक्स के अंदर कितना जगह है, चाहे वो एयर से भरा हो, चाहे वो वाटर से भरा हो, चाहे वो ऑयल से भरा हुआ, उसके अंदर के जगह को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अब वॉल्यूम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला तो है एल क्यूब। अगर आप एक ट्रिक से पढ़ना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो वॉल्यूम को अगर फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ जो वेज है इसके अंदर इसके हाइट को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। और ऐसा सिर्फ ये हम क्यूब में नहीं करने वाले, आगे के जो दो फिगर पढ़ने वाले उसमें भी सेम करने वाले स्टूडेंट्स। देखिए हम क्या करेंगे, जो एरिया मिला है हमको एल स्क्वायर, उसमें क्यूब के हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, और क्यूब का हाइट भी एल ही है स्टूडेंट्स।
इसका लेंथ, इसका ब्रेथ और इसका हाइट सब क्या होता है, एल होता है, क्योंकि सब साइड सेम होता है। तो इसका मतलब है हमें एल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसके हाइट एल से और वो बन जाएगा एल क्यूब। स्टूडेंट्स देखिए, ये एल क्यूब जो मिला है हमने क्या किया है, एरिया ऑफ बेस को मल्टीप्लाई कर दिया हाइट से, और आगे के जो दो फिगर है वहां पे भी हम यही करने वाले हैं। एरिया ऑफ बेस को जैसे हम हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे हमको वॉल्यूम मिल जाएगा। और एक चीज और है, अगर पेरीमीटर ऑफ बेस को अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्टिकल सरफेस एरिया मिल जाएगा। जैसे पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, 4L, अगर इसको हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे, जो इस बार वापस से एल है इसके ये केस में, तो इसका आंसर आ जाएगा 4L स्क्वायर इसका वैल्यू, और वही है लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप ट्रिक देखते हो स्टूडेंट्स, तो कभी भी अगर तीन फिगर के लिए जो हम पढ़ने वाले, एक क्यूब के लिए, फिर एक क्यूबॉइड के लिए और एक सिलेंडर के लिए, इनके लिए हमें अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो जो भी एरिया ऑफ बेस मिला रहेगा उसके अंदर हाइट मल्टीप्लाई कर दो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, और जो भी पेरीमीटर ऑफ बेस मिला रहेगा उसके अंदर आप हाइट मल्टीप्लाई कर दो आपको वर्टिकल सरफेस मिल जाएगा। तो ये तीन फिगर में हम यही करने वाले। तो स्टूडेंट्स हमने क्यूब के 5 फॉर्मूले स्टडी कर लिया है, अब हम क्यूबॉइड पे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड और क्यूब में फर्क इतना है कि क्यूब के सारे जो फेस थे वो स्क्वायर थे, लेकिन क्यूबॉइड के जो सारे फेस है वो रेक्टेंगल होंगे, और सारे के सारे रेक्टेंगल एक साइज के नहीं होंगे। ये लेंथ अलग होगा, ये लेंथ अलग रहेगा, ये ब्रेथ जो है ये इसके मेजरमेंट से अलग रहेगा, इसके लिए इसको डिफरेंट नाम दिया, और ये जो हाइट रहेगा ये भी इसका डिफरेंट रहेगा। इस बार हाइट एच है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तीनों वैल्यू अलग अलग है, इसके लिए तीन डिफरेंट नाम दिया है, एक एल, एक बी और एच। हमने क्यूब में तीनों को एल एल और एल दिया था बिकॉज तीनों भी साइड सेम था, तीनों का वैल्यू सेम था, यहाँ पे तीनों का वैल्यू डिफरेंट रहेगा। जैसे ये भी देखिए, ये फिगर हमने वहां पे भी देखा था, इसमें ईच फेस जो एक रेक्टेंगल है, पर ये रेक्टेंगल का एरिया और ये रेक्टेंगल का एरिया डिफरेंट है, और ये ऊपर के जो रेक्टेंगल का एरिया डिफरेंट है। हाँ, टॉप के और बॉटम के एरिया सेम है, साइड के इन दोनों के एरिया सेम है, फ्रंट और बैक के एरिया सेम है, लेकिन आपस में ईच अदर में ये लुक का एरिया डिफरेंट होता है। तो ऐसी फिगर जहाँ पे हम रेक्टेंगल से बॉक्स बनाते हैं, उस बॉक्स को हम क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड बोलते हैं, और उसके अंदर लेंथ और ब्रेथ और हाइट ये तीनों भी डिफरेंट होते हैं। अब हमें इसका भी क्या करना है, 5 फॉर्मूला ऐड करना है, पर इसके 5 फॉर्मूले के लिए हमें फिर से क्या करना है, इसका एरिया और इसका पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। अगर एरिया और पेरीमीटर हमें मिल गया तो हम ट्रिक से चाहें तो 5 फॉर्मूले जो आगे हम पढ़ने वाले वो हमें इजीली आ जाएगा। तो ये जो क्यूब है ये एक रेक्टेंगल से बना है। अब अगर रेक्टेंगल का एरिया पूछा जाए आपको, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, और ये भी लेंथ है और ये भी ब्रेथ है, अगर आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा जाए तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो ठीक है, ये इजी है स्टूडेंट्स, तो हमने लेंथ इनटू ब्रेथ लिख दिया। अब अगर हमें पेरीमीटर पूछा जाए एक रेक्टेंगल का, तो पेरीमीटर में हम ये चारों को प्लस कर देंगे, मतलब एल फिर प्लस बी फिर प्लस एल फिर प्लस बी, मतलब एल 2 टाइम है और ब्रेथ भी 2 टाइम है। अब 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा एल प्लस बी। तो ये फाइनल जो है ये पेरीमीटर है इसका रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि एरिया का फॉर्मूला है एल इंटू बी और पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी। इसके बाद आपको जो आगे जो हम 5 फॉर्मूले पढ़ने वाले वो एकदम ईजी हो जाएगा स्टूडेंट्स आपके लिए। तो चलिए हम आगे के 5 फॉर्मूले पढ़ते हैं इसमें। तो चलिए हम क्यूबॉइड के जो 5 फॉर्मूले हैं वो बाय करते हैं, जिसमें से ये स्टार्टिंग के जो सॉरी ये जो सेकंड से लेके 5th तक जो फॉर्मूले है ये पहले करेंगे हम। जिसमें से देखिए हमने पीछे अभी पढ़ा था कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी है और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी है। हम अगर थर्ड वाला फॉर्मूला देखते हैं तो क्या लिखा है, पेरीमीटर ऑफ ए बेस ऑफ क्यूबॉइड। एक क्यूबॉइड का जो बेस है, जो नीचे का जो पार्ट है, ये वो एक रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट स्टूडेंट्स, ये वाले पार्ट एक रेक्टेंगल ही है, तो उसका पेरीमीटर बोला है। तो अगर पेरीमीटर रेक्टेंगल का बोला है तो उसका फॉर्मूला तो 2 इंटू एल प्लस बी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इसका फॉर्मूला जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। फिर उसके जस्ट बाद में जो फॉर्मूला पूछा है वो पूछा है एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूबॉइड, फिर से बेस वर्ड बोला है, और फिर से ये बॉटम वाला जो एरिया है, बॉटम वाला जो फेस है उसका एरिया निकालना है, और वो रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का मतलब फॉर्मूला है एल इंटू बी। तो यहाँ पे आ जाएगा एल इंटू बी।
अब देखिए स्टूडेंट्स, ट्रिक से अगर आप देखोगे तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको जल्दी से मिल जाएगा। अगर हम पेरीमीटर ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, मतलब लैटरल वर्टिकल सरफेस। और एरिया ऑफ बेस को अगर हम हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें ये मिल जाएगा, मतलब वॉल्यूम मिल जाएगा। जिसे देखिए पेरीमीटर ऑफ बेस क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी। अगर उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। तो यही बन जाएगा लैटरल वर्टिकल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। और अगर एरिया ऑफ बेस को, मतलब एल इंटू बी को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हाइट से, तो जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर हमें पेरीमीटर और एरिया ऑफ बेस, मतलब रेक्टेंगल का पता है स्टूडेंट्स, तो हम वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं और टोटल सॉरी वर्टिकल सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। सिर्फ हमें क्या करना है इसके हाइट से, इस बार हाइट जो है ये है स्टूडेंट्स, और वो एच है, वो डिफरेंट है, ये बी है ब्रेड और ये लेंथ है। तो हमको हाइट से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट्स। इस बार हाइट एच होगा, इस बार जैसे क्यूब में हाइट एल था क्योंकि सब सेम था, पर यहाँ पे हाइट डिफरेंट है। तो पेरीमीटर को अगर हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगा, और एरिया को अगर हमने हाइट से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल जाएगा। तो अब बचता है टोटल सर्फिस एरिया। अब टोटल सर्फिस एरिया हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, टोटल सर्फिस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स? टोटल सर्फिस एरिया का मतलब जितने भी सर्फेस हमको दिख रहे हैं, ये साइड वाले भी और टॉप वाले भी और बॉटम वाले, सबको प्लस करके जो एरिया बनेगा उसको फाइंड आउट करने का है। अभी जो साइड वाले एरिया थे इसको हम वर्टिकल सरफेस एरिया बोलते थे, मतलब लैटरल बोलते थे, और उसका फॉर्मूला हमको पता था। क्या था वो? 2 इंटू एल प्लस बी और इंटू एच, ये था। तो इतना एरिया तो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट्स। कौन सा? ये वाले पार्ट का एरिया, फिर ये वाले पार्ट का एरिया, फिर इसके साइड वाले पार्ट का एरिया और इसके बैक साइड वाला पार्ट का एरिया। तो बचता क्या स्टूडेंट्स? बचेगा हमारे लिए सिर्फ ये टॉप का एरिया बचेगा और इसके जस्ट अपोजिट बॉटम का एरिया। अगर ये दो एरिया और ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अब ये दो एरिया क्या है स्टूडेंट्स? ये टॉप में भी एक रेक्टेंगल है, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ, और बॉटम में भी एक रेक्टेंगल है, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ। अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सर्फेस एरिया होगा, क्योंकि साइड के तो हमने ये फॉर्मूले से लिख लिया फॉर्मूला। इसका मतलब है कि अगर हम इसके अंदर एल इंटू बी ये और एल इंटू बी ये अगर ऐड कर देंगे, मतलब दो रेक्टेंगल का एरिया, एक रेक्टेंगल का एरिया टॉप के रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी है, बॉटम के रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी है, दोनों भी एल इंटू बी है, मतलब टू एल इंटू बी है, टू एल इंटू बी है। अगर ये पूरा सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट्स तो जो फॉर्मूला बनेगा वही टोटल सरफेस एरिया रहेगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? ये एच भी मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट से और ये टू भी मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट से, तो इसको हम अगर साथ में लिखेंगे तो ये इस तरीके से हो सकता है। टू एच को मल्टीप्लाई करना है हमें एल प्लस बी से और फिर प्लस टू एल बी। देखिए स्टूडेंट्स, ये एच बी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ है लेकिन इस तरफ लिखा है, ये टू बी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हुआ इस तरफ लिखा है, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो एक साथ लिख दिया है। अभी टू एच को अगर एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एच एल आ जाएगा, फिर प्लस 2h को अगर b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2hb आ जाएगा, और फिर प्लस बचता है यहाँ पे 2lb। अब अगर 2 को कॉमन निकालेंगे स्टूडेंट्स तो hl, hb और lb बचता है, hl प्लस hb और फिर प्लस lb। अब अगर इसको लाइन से लिखेंगे हम तो lb प्लस bh प्लस hl, अगर देखेंगे तो ये है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो ये फॉर्मूला अगर हम डिराइव करेंगे तो इस तरह मिलेगा। और अगर वैसे अगर आप याद करोगे तो टोटल यहाँ पे तीन चीज है, एल बी और एच। तो 2 कॉमन लेके हमको पहले एल बी लिखना है, प्लस बी एच लिखना है, फिर प्लस एल एच लिखना है। तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अब क्यूबॉइड के बाद हम सिलेंडर का एरिया स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला स्टडी करते हैं उसका। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम सिलेंडर के बारे में पढ़ते हैं। तो सिलेंडर कुछ इस तरीके से होता है स्टूडेंट्स, इसको आप देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा सिलेंडर क्या होता है। ये एक पॉट है और ये एक पोलो है, इसका जो रैपर होता है ये भी एक सिलेंड्रिकल होता है स्टूडेंट्स। तो ये है सिलेंडर। अब इसके बेस में एक सर्कल है और टॉप पे एक सर्कल है, और सर्कल का सेंटर और सर्कल के सेंटर के बीच में जो स्ट्रेट हाइट रहेगा, जो स्ट्रेट लाइन रहेगा, वही तुम्हारे लिए
वही अपने लिए हाइट रहेगा, उसको हाइट बोलते हैं स्टूडेंट्स। जो स्ट्रेट लाइन रहेगा उसको हाइट बोला जाता है स्टूडेंट्स। और ये सेंटर से लेके सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होते हैं उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, रेडियस बोलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस फिगर के लिए भी हमें 5 फॉर्मूले ऐड करना है, टोटल सरफेस एरिया और बाकी सारी चीजें। तो जिस तरह हमने क्यूब में देखा था वो स्क्वायर से बना था, क्यूबर्ड में देखा था वो रेक्टेंगल से बना था, लेकिन ये तो अलग अलग चीज से बना है। इसमें भी अगर हमें फॉर्मूला ट्रिक से पढ़ना है तो सिर्फ हमको उसके बेस को स्टडी करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। ये जो बेस देख रहे हैं तो इसके बेस में है क्या स्टूडेंट्स, बेस में एक सर्कल है। तो अगर हमको सर्कल का एरिया और सर्कल का पेरीमीटर मतलब सर्कमफ्रेंस अगर पता चल जाएगा तो इसके अंदर जो 5 फॉर्मूले है वो भी हमें याद हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे। तो एक जो सिलेंडर है उसका टॉप जो होता है वो एक सर्कल होता है और उसका जो बॉटम होता है वो भी एक सर्कल होता है। तो सर्कल का एरिया अगर हमसे पूछा है कि सर्कल का एरिया क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया क्या होता है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है कि इसका जो एरिया है वो है पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ये जो बाउंड्री का लाइन है ये इसका लेंथ कितना है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है कि चारों साइड को प्लस करने को बोलते हैं पेरीमीटर, प्लस 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 प्लस, इसको चारों को प्लस करें तो पेरीमीटर है। यहाँ पे जब राउंड पार्ट आ जाता है स्टूडेंट तो हम पेरीमीटर को छोड़ के सर्कमफ्रेंस बोलते हैं उसको, उसको पेरीमीटर नहीं बोलते, लेकिन मीनिंग दोनों का एक ही चीज है। तो जब भी कर्व्ड रहेगा टोटली तो उसको हम सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, लेकिन जब फ्लैट रहेगा तो हम उसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो हमने क्यूब और क्यूबर्ड में पेरीमीटर यूज किया है, यहाँ पे पेरीमीटर वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस। तो सर्कमफ्रेंस इसका क्या स्टूडेंट्स, सर्कमफ्रेंस का भी फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता होना चाहिए बिकॉज ये लोअर स्टैंडर्ड में हो चुका है और वो फॉर्मूला है 2πr। तो जिस तरह हमने स्क्वायर में एरिया फाइंड आउट किया था, पेरीमीटर फाइंड आउट किया था, फिर 5 फॉर्मूले सॉल्व किया था, फिर क्यूबर्ड में भी एरिया फाइंड आउट किया था रेक्टेंगल का और पेरीमीटर फाइंड आउट किया था और 5 फॉर्मूले सॉल्व किया था, उसी तरह का सिलेंडर में हमें एरिया ऑफ बेस, अगर एरिया ऑफ बेस की बात करूं तो इस बेस में जो एरिया है वो दरअसल एक सर्कल ही है। तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और इसका सर्कमफ्रेंस अगर देखेंगे तो वो क्या रहेगा, 2πr। तो हमें ये दो चीज याद रखने का स्टूडेंट्स कि सर्कल का एरिया जो है पूरा जो ब्लू में आपको दिख रहा है उसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, और ये जो आउटलाइन दिख रहा है व्हाइट में इसका लेंथ कितना होगा स्ट्रेट करने के बाद, तो वो उसका फॉर्मूला 2πr। अगर ये दो फॉर्मूला याद है तो हमें जो ट्रिक हमने देखा था उसी ट्रिक से हमें 5 फॉर्मूले बाहर हो जाएंगे। तो चलते हैं अब इसके 5 फॉर्मूले स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये है इसके 5 फॉर्मूले स्टूडेंट्स कि टोटल सर्फेस एरिया, कर्व सर्फेस एरिया। हाँ, इस बार हम वर्टिकल सर्फेस एरिया नहीं बोलेंगे क्योंकि ये पूरा जो ब्लू पार्ट राउंड से देख रहे हो आप ये कर्व्ड हुआ है, कर्व्ड मतलब ये राउंड हुआ है, घुमा हुआ है। तो जब ये घुमा हुआ रहता है, राउंड रहता है, तो उसको हम वर्टिकल नहीं बोलते, उसको कर्व्ड बोलते हैं। फिर सर्कमफ्रेंस आपको मैंने बताया कि सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस बोला है, मतलब सिलेंडर के जो बेस में जो सर्कल है उसका आउटलाइन का जो लेंथ है वो बताइए, जिसका फॉर्मूला हमने अभी भी देखा है। हम एक काम करते हैं फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ सर्कल हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ सर्कल उसका फॉर्मूला हमने पीछे अभी पढ़ा थोड़ा, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद सर्कमफ्रेंस हमने पढ़ा और वो है 2πr। हमको इन दोनों का फॉर्मूले का यूज करके 5 फॉर्मूले हमें बाय ऐड करना है स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर मतलब वही सर्कल का एरिया फिर वॉल्यूम। तो पहले हम ये दोनों कंप्लीट करेंगे फिर ये दोनों हमको इजीली आ जाएंगे। जैसे सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, 2πr, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 2πr। उसके बाद एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। अब मैंने आपको बोला कि यही पाई आर स्क्वायर में अगर आप हाइट को मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको, और इसी 2πr में अगर आप हाइट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, मतलब आपको मिल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। तो इसका हाइट क्या है स्टूडेंट्स, इसके हाइट को हमने देखा था कि इसका हाइट h होता है। तो अगर मैं पाई आर स्क्वायर में h मल्टीप्लाई कर दूं तो जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन जाएगा वॉल्यूम, तो ये बन जाएगा पाई आर स्क्वायर h। और अगर मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस में अगर हाइट मल्टीप्लाई कर दूं तो बन जाएगा 2πr h, और वो जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिल जाएगा हमको कर्व सरफेस एरिया, तो ये बन जाएगा 2πr h। और इस हिसाब से भी ये 4 फॉर्मूला बाय हार्ट हो गया स्टूडेंट्स। अब हमें सिर्फ एक ही चीज फाइंड आउट करने का, टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया किस तरह आएगा स्टूडेंट्स, तो इस टोटल सरफेस एरिया का मतलब टोटल एरिया, मतलब ये राउंड पार्ट का भी एरिया, ये ऊपर के सर्कल का भी एरिया और डाउन के सर्कल का एरिया। अभी राउंड पार्ट का जो एरिया है उसे तो कर्व सरफेस एरिया बोला जाता है, और वो हमने फाइंड आउट भी कर लिया, उसका फॉर्मूला है 2πr h। उसका फॉर्मूला हमने लिख दिया 2πr और h।
तो कौन सा एरिया छूटता है टोटल कंप्लीट होने के लिए? एक ऊपर का सर्कल का एरिया और बॉटम का सर्कल का एरिया अगर हम ऐड कर देंगे तो टोटल मिल जाएगा एरिया। तो ऊपर के सर्कल का एरिया एक पायर स्क्वायर है, क्योंकि सर्कल का एरिया क्या होता है पायर स्क्वायर। तो ऊपर एक पायर स्क्वायर है और बॉटम एक पायर स्क्वायर है। अगर ये दोनों पायर स्क्वायर को हम अगर ऐड कर देते हैं और फिर प्लस ये जो राउंड वाले हैं इनको भी अगर ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा। तो राउंड वाला 2πRH है, एक पायर स्क्वायर ऊपर और एक पायर स्क्वायर बॉटम में, तो इसका मतलब 2πR² और है 2πR², अगर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो जो बनेगा वो टोटल सर्फेस हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या स्टूडेंट्स, 2 कॉमन है और पाई कॉमन है और आर भी कॉमन है स्टूडेंट्स, तो इसमें बचता क्या 2π और आर कॉमन है तो एच बचता है और यहाँ पे क्या बचता है आर बचता है, 2πR और एक आर एक्स्ट्रा तो आर बचता है। तो ये फॉर्मूला जो है ये है फॉर्मूला टोटल सर्फेस एरिया का, 2πR, एच प्लस आर है लेकिन टेक्स्ट बुक में शायद से आर प्लस एच लिखा हुआ, तो वो आप समझ सकते हो एच प्लस आर और आर प्लस एच एक ही, ये भी लिखेंगे तो कोई रॉन्ग नहीं है। तो ये फॉर्मूला हमने यहां तक हमने क्या किया सिलेंडर का फॉर्मूला कंप्लीट किया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट के जो आगे फॉर्मूले हैं वो हम दूसरी वीडियो में देखेंगे स्टूडेंट्स।